बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। आज हम बात करेंगे बुक रिव्यू पर, हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू को राइट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ बुक रिव्यू, कि उसके आपके मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक रिव्यू को देखें तो बुक रिव्यू क्या है जनाब, एक थॉरो डिस्क्रिप्शन है या क्रिटिकल एनालिसिस भी आप उसे कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी बुक के मेन एसेंस की क्वालिटी, मीनिंग, उसकी सिग्निफिकेंस और उसके जो है वो सारी प्योर डेफिनेशंस वगैरह को हम एक रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये बुक जो है वो किस तरह की है, अच्छी है, बुरी है। उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी हम करते हैं, उसकी हम डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं, उसके हम डोमेन्स को भी वाजे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बुक रिव्यू के अंदर होनी चाहिए। अगर हम मेन पर्पस देखें कि बुक रिव्यू का एक्चुअली मेन पर्पस क्या है, बुक रिव्यू का मेन पर्पस ये है कि इससे ऑडियंस की जो है वो राय मिल सके, कि ऑडियंस जो है वो उस बुक को जो है वो कैसा समझती हैं या हमारे अपनी थॉट्स के मुताबिक जो है वो किताब कैसी है, कोई भी किताब हो सकती है। इसमें तो हम बुक रिव्यू से पहले जो है वो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब अगर हम बुक रिव्यू की बात करें तो बुक रिव्यू एक समरी है या एक समेटिव कंक्लूजन है उस पूरी बुक की जो आपके पास किसी भी राइटर की, रिस्पेक्टिव राइटर की मौजूद है, ठीक है। और फिर उसमें हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं जो हमारे अपने लिहाज से जो है वो पोटेंशियल रिकमेंडेशन होती है अपने रीडर्स को, कि आप जो है वो इसे रीड करें या इसे रीड ना करें। ये आपकी जो है वो असेस करेगी आपको, किस चीज़ में असेस करेगी, कौन से डोमेन में आपको ये किताब जो है वो असेस कर सकती है, या फिर जो है वो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, या कुछ भी इसके बारे में हमें जो है वो डिटेल में डिस्कस करना होता है, ठीक है। अगर हम बुक रिव्यू के मेन स्ट्रीम्स की बात करें तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ के जनाब बुक रिव्यू का जो आपके पास इंट्रोडक्शन है या जिसे हम उर्दू में दीवाचा कहा करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिससे आपको बुक की थीम पता चल जाती है। तो बुक को जब भी आप रीड करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप दीवाचा देखते हैं या उसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो होता है वो आप देखते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो आउटलाइन आता है, कंटेंट का आउटलाइन, कि उसमें जो है वो कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसके चैप्टर्स क्या हैं, उन चैप्टर्स की हेडिंग्स क्या हैं। ये वाली जो आउटलाइन आती है उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि इस बुक में जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं। हाईलाइट करते हैं हम बुक की जो है वो मेन पार्टिकुलर चीज़ों को, और हर हर चैप्टर के डिफरेंट जो है वो थीम्स होती हैं या डिफरेंट जो है वो डोमेन्स होते हैं जिसमें जो है वो पार्टिकुलरली उस चैप्टर की सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। इसके अलावा साथ में आपको अपनी जो है वो अपनी तरफ से आपको इवैल्यूएशन करनी होती है कि उसकी जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, आपने ख़ुद से जो है वो एक इवैल्यूएशन करनी होती है। अब डेफिनेटली बीइंग अ कंटेंट राइटर, अगर आपके पास कोई बुक आती है और आपको उसका रिव्यू लिखना है तो यू आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल द पेजेस, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है वो यही है कि आप क्या करें, आप बुक की जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ें, आप उसके आउटलाइन देखें कंटेंट्स का, आप उसकी जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर के थीम्स को देखें कि चैप्टर का जो थीम है वो क्या है, और फिर आप उसके ऊपर जो है वो अपनी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब रिव्यू के अंदर हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं, रिव्यू के अंदर हम अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक हमारे जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस पूरा सेक्शन हमारा होता है जिसमें हम अपनी टोटल जो है वो राय देते हैं, और उसमें हम अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स और ये सारी चीज़ें जो है वो हम बताते हैं। अगर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो बुक के कंटेंट के ऊपर है तो वो आप ज़्यादा हाईलाइट करके मेंशन कर रहे होते हैं, या अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लाइक या डिसलाइक की चीज़ आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं तो आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते उसको और इतना ज़्यादा जो है वो आप उसको हाईलाइट नहीं करते, ठीक है। फिर बुक रिव्यू का आपके पास स्टाइल क्या होता है, बुक रिव्यू का आपका अगर हम ये कहें कि जनाब बुक रिव्यू जो है वो वेल रिटन होनी चाहिए, उसके अल्फाज से लेकर उसके कैरेक्टर और उसके जो है वो तमाम चीज़ें जो भी आप उसमें लिख रहे हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसकी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एनालिसिस का कहीं पर भी गैप ना दिखे, उसके जो है वो मेन स्ट्रीम के जो आइडियाज़ हैं उसमें आपको गैप नहीं आना चाहिए। फिर आपका स्टाइल जो है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ही ना ही आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लिख सकते हैं, ना ही आप बहुत ही ज़्यादा
ऐसे मिस्टेक लिख सकते हैं, तो फिर वो एक जनरल जो है वो फॉर्मेट नहीं हुआ बुक रिव्यू का, वो एक बिल्कुल पर्सनल जो है वो कमेंट हो गया। तो हमें यहाँ पर पर्सनल कमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर बुक का रिव्यू करना है, ठीक है। तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कमेंट एंड अ बुक रिव्यू। तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव पर्सनल कमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बुक का रिव्यू करना है, तो इट मस्ट बी फॉर्मल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, इसके वर्ड्स और जो आपके अल्फाज हैं वो भी बिल्कुल ही फॉर्मल होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट करते हैं या कोई भी चीज़ पॉजिटिव पॉइंट करते हैं, तो उसके पीछे आपको लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर देनी होती है, लाइक हाउ डिड यू फाइंड इट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगर हम बुक रिव्यू की बात करें, तो क्या बुक रिव्यू एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए या नहीं। आइडियली ये कहा जाता है कि जनाब बुक रिव्यू एक से दो पैराग्राफ के अंदर होता है, बट अगर हम अपने एकेडमिक लिहाज से देखें, तो एकेडमिक लिहाज से हम इसको जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप जनरली लिख रहे हैं किसी भी बुक का रिव्यू, तो वो आपने लाजमन जो है वो एक से दो पैराग्राफ में कवर करना होता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने बुक के जो है वो मेन थीम को, मेन डोमेन को, कि बुक के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो किस डोमेन में जा रही हैं, उस बुक का पर्पज़ क्या है, उस बुक में जो है वो राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पहले पैराग्राफ में कवर अप करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ होता है, उसमें हम कवर करते हैं उस बुक की स्ट्रेंथ, उस बुक की वीकनेस, उस बुक में रीडर्स को जो है वो क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में डेवलप हो सकती हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका जो है वो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ों को। और फिर साथ में हम अपने जो है वो पर्सनल लाइक या डिसलाइक और इसके हिसाब से जो हमारी अपनी इवैल्यूएशन है, हम उसे भी जो है वो अपने सेकेंड पैराग्राफ में समराइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम रूल्स की अगर बात करें, तो बुक रिव्यू में आपके पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब आप की जो बुक है वो, उसमें जो आप अपना अप्रोच जाहिर करें, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे आप नेगेटिव अप्रोच रखें, वो आपका वेल एस्टेब्लिश अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ये कि अगर आप कोई भी डिटेल उसमें एक्स्ट्रा अलग से देते हैं, या अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें एज अ रेफरेंस मेंशन कर रहे होते हैं, तो उसको आपने बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स में भी मेंशन करना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसका यह है कि जनाब आपने बुक के जो भी कंटेंट्स मौजूद हैं उन सबको लाजमन कवर करना है। किसी भी ऑथर की पर्सनल लाइफ हिस्ट्री के ऊपर आपने कोई भी कमेंट नहीं करना है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से उस बुक को हरगिज़ भी रिलेट नहीं करना है। सिर्फ बुक की स्ट्रेंथ, बुक की वीकनेस, बुक के ऊपर इवैल्यूएशन, बुक में जो है वो क्या बात कही गई है, सिर्फ उसके बारे में आपने डिस्कस करना है। आपने राइटर की जो है वो पर्सनल डोमेन के अंदर नहीं घुसना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट का जो आपका कंक्लूडिंग कमेंट्स है, वो हद से ज़्यादा पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। एक न्यूट्रल कमेंट होना चाहिए, जिसमें आप रियलिटी या आप ये कह रहे हैं रियलिस्टिक बैकग्राउंड के साथ, जिसमें आप बुक के तमाम रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स के साथ आप एक कंक्लूजन दे रहे हों, ठीक है। तो उसमें आपकी अपनी जो है वो पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स जो हमारी आती हैं वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि आप बुक रिव्यू किस तरह से लिखते हैं। अब हम करते हैं जनाब एक बुक की रिव्यू, जैसे हमारे पास है यहाँ पर द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जनाब हम बुक की रिव्यू किस तरह से करेंगे। ये बुक है जो कि फ्रांसिस कॉलन ने लिखी है। इस बुक के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। अब सबसे पहले मैं देखती हूँ कि जनाब मैं पर्सनली बुक की रिव्यू किस तरह से करती हूँ। लाइक ये मेरे पास बुक है और मुझे इसके राइटर का पता है। सबसे पहले तो मैंने जाना है और सर्च करना है इस बुक को विथ राइटर, ठीक है। तो अब मैं राइटर के साथ जो है वो इस बुक को सर्च करूँगी। तो जब मैं राइटर के साथ सर्च करूँगी, तो क्या होगा कि मुझे एक्चुअली यही बुक और इसी के बारे में सारी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपके पास डिटेल आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यस इट इज़ अ वाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें जब वाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने एक विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन लेनी है, दूसरी जो है वो मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है राइटर के बारे में, कि जनाब राइटर की जो भी हमारे पास बुक्स हैं या इनकी जितनी भी तसानीफ हैं
वो किस तरह की हैं जनाब? ये हैं हमारे पास फ्रांसिस कॉलिन साहब, और इनके बारे में कुछ चीज़ों को हम देखेंगे अगेन ऑन विकिपीडिया फॉर हैविंग अ ब्रॉडर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं देख रही हूँ राइटर के बारे में, ये मैं अपने उसमें जो है वो इंक्लूड नहीं करूँगी। हाँ, अलबत्त इनके बारे में कुछ चीज़ें अगर मैं एकेडमिक वे में लिख रही हूँ बुक की रिव्यू, तो वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। जैसे यहाँ पर जो है वो इनकी आइडियाज़, इनकी थॉट्स, और इनके जो है वो जो इन्होंने काम किया है उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, इनकी फील्ड्स भी मुझे दिख रही हैं कि इन्होंने जो है वो किस फील्ड में क्या काम किया है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से भी मिल गई है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बुक की इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि इस बुक में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, बुक जो है वो मैंने अपने पास PDF में डाउनलोड किया हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो इस बुक को, चूँकि हमें बुक की पूरी रिव्यू करनी है, तो आपको बुक के कंटेंट्स पता होने चाहिए। यहाँ पर मेरे पास जो है वो कंटेंट नाम की चीज़ कंटेंट के तौर पर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से देखते जाएंगे। इंट्रोडक्शन है, देन वी हैव पार्ट वन, द कैसम बिटवीन साइंस एंड फेथ, मतलब यहाँ पर साइंस और फेथ के बारे में जो है वो कहानी चल रही है, फ्रॉम एथिज्म टू बिलीव। ठीक है, और अब हम जाएंगे जनाब कुछ इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ स्टोरी है अबाउट ग्रेजुएट स्कूल एंड दैट। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ, और हम देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है, द वॉर ऑफ वर्ल्ड व्यूज़। ठीक है, अब हम दुनिया की तमाम व्यूज़, जो लोगों के अपने व्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इस तरह से हम इसको स्क्रॉल करके हम जो है वो तमाम इसके सेक्शंस को कवर करेंगे। एक एक सारे सेक्शन को हम देखेंगे, और हर सेक्शन के, हर चैप्टर को आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में क्या बात की गई है। ठीक है, ये काम करने में आपने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, आपने इसको जो है वो शॉर्टली करना है, और शॉर्टली करके जो है वो एक डिटेल जो है वो यहाँ पर अपने पास लिख लेनी है, जो कि आपके पास जो है वो डिटेल आपने सारी जो है वो कलेक्ट करती जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें इस बुक के बारे में यकीनन डिस्कशन वगैरह मौजूद है, तो मैं उसको भी ज़रूर चेक करूँगी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो अब इस डिटेल में से मुझे क्या करना है जनाब, मुझे अपने रिस्पेक्टिव डोमेन के हिसाब से अपनी चीज़ों को, अगर मुझे कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आई विल कॉपी दैट, और अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ से ग्रैब करनी है, कोई पॉइंट, कोई बात जो मुझे यहाँ पर लिखनी है, वो चीज़ें जो है वो मैं ग्रैब करती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर बुक में एक चीज़ दिखी, और वो थी जनाब यंग अर्थ इवेल्युएशन की। यंग अर्थ इवेल्युएशन की चीज़ को अगर हम ज़रा सर्च करें, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इनके बारे में देखें, कॉलिन के बारे में, तो कॉलिन साहब जो है वो काफ़ी सूडो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है वो आपके पास ये यंग अर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन्होंने जो है वो एक और बात की इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी की, दैट इज़ ID थ्योरी, ये भी एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, यानी इसमें जो है वो आपके पास ये बताया गया है जनाब, ज़िंदगी ज़मीन पर जो है वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में जो है वो क्रिएट हुई, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ साथ ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, थ्योरी ऑफ, इसको हम कहते हैं क्रिएशनिज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म में यही एक डिफरेंस है कि वो साइंटिफिक थ्योरी है और ये सीडो साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स देखी, और हमने ये देखा कि जनाब क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है, ID थ्योरी क्या कहती है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने क्या करने हैं जनाब, अपने पास वर्ड की एक फाइल में नोट करते जाना है। और जब हम ये सारे पॉइंट्स वर्ड की फाइल में नोट करते जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, लास्ट में हम अपने तमाम आइडियाज़ को, जो हम आइडियाज़ यहाँ से ग्रैब कर रहे हैं, जो हम पॉइंट्स यहाँ से नोट डाउन कर रहे हैं, उन तमाम पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इस बुक के रिस्पेक्टिव वे में रहते हुए हमें क्या करना है, एक समरी बनानी है जो कि इस बुक की पूरी डिटेल को कवर करे। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक की जो है वो रिव्यू जो मैंने की है
वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि मैंने इसको पूरा का पूरा लिखा है एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में मैंने इस बुक की तमाम कहानी लिखी है कि ये बुक जो है वो किस तरह से जो है वो कौन से टॉपिक पर है, कौन से डोमेन पर है, और इसके अंदर जो है वो मेजर डिबेट जो है वो क्या किया गया है, ठीक है, कॉन्टेक्चुअली या जिसको आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ दैट बुक एंड द राइटर एज वेल। तो यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ों की बैकग्राउंड जो है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है कि एक्चुअली फ्रांसिस कॉलन ने जो है वो क्या किया है, कहाँ से उन्होंने कौन सी जो है वो डिज़ीज़ पर रिसर्च किया है, ठीक है, उनके जो है वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके जो है वो एफर्ट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें। फिर बुक की जो है वो थीम कि इस बुक में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी जो है वो एक्चुअली बैकग्राउंड जो थीम है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर की हैं। फिर इशूज़ वो जो कि इस बुक में मैंने देखी और जो इनकी राइटिंग में जो है वो बेसिकली पाई जाती है। इनकी राइटिंग में ज़्यादातर जो है वो हमने देखा कि सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि YEC है और IDEA सारे सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये जो है वो इनका सबसे बड़ा इशू है। ये कुछ जो है वो मेजर इशूज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके डॉटेड या बुलेट पॉइंट्स के साथ जो है वो यहाँ पर मैंशन किए, ठीक है। उसके बाद फिर इन्हीं इशूज़ को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और ये सारी कहानी जो है वो इन्हीं की बुक से लिखी है, आप देखें मैंने बुक के जो है वो पेज नंबर के रेफरेंसेस को भी मेंशन किया है, ठीक है। फिर इनके जो है वो इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए फिर कॉलिन की जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री और उनकी जो है वो कॉन्सेप्ट्स के, उनके अपने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, ठीक है। यहाँ तक जो है वो बुक के रिस्पेक्टिव वे में रहते हुए मैंने तमाम चीज़ों को कवर किया और यहाँ से मेरी जो है वो अपनी क्रिटिकल एनालिसिस है जो कि डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इस एक पैराग्राफ में, और यहाँ पर मैंने जो है वो बुक के बारे में तमाम चीज़ों को जो है वो मेंशन किया है और इसमें अपनी जो है वो मैंने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है वो लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने इसमें जो रेफरेंसेस इस्तेमाल किया, जिन जगहों से जो है वो मैंने चीज़ों को देखा एक्सेप्ट विकिपीडिया, मैं यहाँ पर जो है वो बाकी चीज़ों को ज़रूर मेंशन करूँगी, विकिपीडिया इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दैट्स वाई हम जो है वो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी होंगी हमें रेफरेंसेस किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से होंगी इस पर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसको आप देखना मत भूलिएगा, और उम्मीद है कि आपको अब तक की सारी चीज़ें समझ आ रही हो। कोई भी आपके पास जो है वो क्यूरी हो, कोई भी न्यू डोमेन हो, कोई भी न्यू डायरेक्शन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें। सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।